अरे वाह, मेरी गुड़िया तो इस चोटी में कितनी सुंदर लग रही है। अच्छा ठीक है गुड़िया, मुझे बहुत लेट हो रहा है, अभी मालकिन बहुत चिल्लाएंगी, तू बैठ के आराम से पढ़ाई करना अपनी यहीं पे। अरे माँ देखो तो सही, एक भी पन्ना है ही नहीं लिखने लायक, इसमें यहाँ तक पेंसिल भी इतनी छोटी, कर ही नहीं पा रही हूँ। यहाँ तक हमारे मास्टर जी भी बोलते हैं कि अगर अगली बार बुक नहीं लाएंगे तो क्लास से बाहर निकाल देंगे। अच्छा ठीक है गुड़िया, मैं आज शाम को मालकिन से पैसे मांगूंगी और मिल गए तो तुझे एक नई नोटबुक और पेंसिल लेके आऊंगी, ठीक है? तब तक तू ये दाल चावल मैंने बना दिया है, खा लेना और बैठ के घर में होमवर्क करना, बाहर फालतू की मस्ती मत करना, ठीक है? मुझे बहुत लेट हो रहा है। चल गुड़िया। ये तुमने लास्ट टाइम भी कहा था और काम की बुक चली गई थी। मामा मैं इस बार अच्छे से छाट रही हूँ, जो मुझे नहीं चाहिए यहाँ है और बाकी सब मैं संभाल के रखी हूँ, डोंट वरी। अरे बेटा ये सब पेंसिल तो काम की है, तुम इसे आराम से अगले साल इस्तेमाल कर सकती हो। अरे मामा नहीं काम के, न्यू सेशन में न्यू बुक्स, न्यू पेंसिल, एवरीथिंग न्यू। ओह नो, 11 बज गए अभी तक संगीता नहीं आई। नमस्ते मैम साहब। संगीता फिर लेट, क्या हुआ ना मैम साहब? आज गुड़िया घर पे ही थी तो इसकी वजह से थोड़ा लेट हो गया। आप चिंता मत करो मैम साहब, मैं सब फटाफट कर दूंगी। अच्छा संगीता पहले नाश्ते बना देना, उसके बाद साफ सफाई करना। संगीता ही अनु के लिए मिल्कशेक बनाते ना इसके साथ। मैम साहब आज कुछ पगार मिल जाती तो अच्छा था। वो क्या है ना मैम साहब, आज गुड़िया के लिए किताब और पेंसिल लेना था। अनु के बाबा बाहर गए हैं, रात को लौटेंगे, लेके रख लूंगी, कल ले लेना। मास्टर जी भी बोलते हैं कि अगर अगली बार बुक नहीं लाएंगे तो क्लास से बाहर निकाल देंगे। अब गुड़िया की बुक कैसे लूंगी? और हाँ प्लीज टाइम पे आया करो। अनु बेटा ये बुक तो सारी खाली ही है। हाँ तो मैंने आपको बोला ना सब फेंकने को, तो सब फेंक दो ना। और सब पेन भी तो अच्छे ही हैं। लेकिन मुझे नहीं चाहिए, फेंको ना। बेटा ये लो। साफ हो गया ना? साफ कर दिया मैंने, देखो। वहीं से इकट्ठा कर लेना संगीता। मैम साहब अनु बेटा ने बोला है सब फेंक दो, वो ये तो सब खाली ही है। संगीता अनु ने सब छाट लिया है, तुम सब फेंक दो। मैम साहब क्या ये सब मैं अपने साथ ले जाऊं? हाँ ठीक है ले जाओ। माँ देखो तो सही, एक भी पन्ना है ही नहीं लिखने लायक, इसमें यहाँ तक पेंसिल भी इतनी छोटी, कर ही नहीं पा रही हूँ। आज कुछ पगार मिल जाती तो अच्छा था। वो क्या है ना मैम साहब, आज गुड़िया के लिए किताब और पेंसिल लेना था। माता रानी
रानी का लाख लाख शुक्रिया। आज तो मेरी गुड़िया बहुत खुश होगी। अच्छी ड्रॉइंग बन गई, चलो कलर भी कर देती हूँ। कलर्स कहाँ है? मम्मा मेरे कलर्स कहाँ है? मुझे क्या पता तुमने ये तो छाटे थे। नहीं मिल रहे माँ, लगता है तुमने उसे फेंक दिया। और जान दो इसमें वो कलर्स काम के नहीं थे, ऑलरेडी इतने ड्राइड अप थे। बच गई। ये तो खाली है, ये भी पूरी खाली है, ये सब खाली है माँ, ये तो पूरी खाली बुक्स है माँ, ये तो बेस्ट है, इसमें तो मैं पूरे एक साल काम चलाऊंगे, बहुत अच्छी बुक्स है माँ। देख बेटा, तू एक बुक मांग रही थी ना, तुझे कितनी सारी मिल गई। अब तू मन लगा के पढ़ाई करना और क्लास में अव्वल आना है तुझे। ये सब खाली है। अरे मामा इतने सारे स्केच पेंस, अरे इसमें तो इतने सारे पेंट ब्रश पेंस, इसमें तो मैं ड्राइंग भी कर सकती हूँ। आपको पता है ना मुझे इतना ड्राइंग पसंद है। मम्मी मैंने तो तुझे बोला था सिर्फ एक बुक लाने को और एक पेंसिल, तू तो सारा भंडार उठा के ला दी। लॉटरी लगी क्या? अरे बिटिया, मैंने ये सारी बुक खरीदी नहीं है। वो क्या हुआ ना, अनु बेबी की परीक्षा हो गई तो अपनी सारी बुक कॉपी किताब पेंसिल सब फेंकने को बोल रही थी। तो मैंने देखा तो सारे पेज सादे थे, तो मैंने सोचा अपनी बिटिया के लिए ले चलूं। अरे वाह माँ, मेरे तरफ से मैडम जी को धन्यवाद बोलना। हाँ बेटा, मैं थैंक यू बोलूंगी मैडम को। किस बात के लिए? अरे मैम साहब, जो आपने कल किताबें दी थी ना, मेरी गुड़िया बहुत खुश हुई, इतना खुश हुई कि उसकी खुशी का तो ठिकाना ही नहीं, और उसने आपको थैंक यू बोला है। अरे वाह, कोई बात नहीं, अगर कभी भी गुड़िया को किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे जरूर बताना, और हाँ उसकी पढ़ाई पे ध्यान देना। थैंक यू मैम साहब। देखा अनु, जो बुक्स तुम्हारे लिए यूजर थी वो गुड़िया के कितने काम आई। आज मैंने संगीता की आंखों में गुड़िया की खुशी देखी, उस खुशी को देख के तो मुझे बहुत ही ज्यादा खुशी मिली। संगीता तो कह रही कि वो बुक्स को पूरे साल इस्तेमाल करेगी। आप सही कह रहे हो माँ, अच्छा हुआ वो बुक गुड़िया के काम आ गई, नहीं तो मैं उसको फेंकने ही वाली थी।